नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक जिसके बारे में हर किसी की जानने की इच्छा होती है। जैसा टाइटल के अंदर लिखा हुआ है, सात दिन अंधकार। सात दिन अंधकार की वो डेट्स जिसके अंदर सभी लोगों के साथ में क्या क्या होने वाला है और कैसे ये सात दिन का अंधकार लोगों के ऊपर असर करेगा, लोग इससे कैसे बच सकते हैं, ये सारी बात आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे सात दिन अंधकार की, भविष्य मालिका में इस अंधकार के बारे में क्या लिखा है। उसके बाद में डेट्स की बात करेंगे कि कब ये उत्पन्न हो सकता है। और तीसरे सबसे लास्ट में हम ये बताएंगे कि इस सात दिन अंधकार के अंदर मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं और वो किस प्रकार से बच सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले भविष्य मालिका के सात दिन अंधकार वाली बात को सुनते के साथ में लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि सात दिन अंधकार एक ऐसा अंधकार वाली जगह जिसके अंदर सारी दुनिया भयंकर और बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाएगी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा और इस अंधेरे से हम लोगों को बचने के लिए कोई ना कोई उपाय करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर मैं इस सात दिन अंधकार की डिकोडिंग करता हूँ तो डिकोडिंग करने के बाद में इनके अनुसार ये बात कही जाती है कि उड़ीसा में रहने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा ये डेट निकाल के सामने लेके आ रहे हैं और उन्हीं के ऊपर बनाई गई ये बात आज हम लोगों के सामने पुख्ता रूप से सत्य साबित होने वाली है। बहुत सारे अंकों के खेल की ये गणना, जो कम से कम ये कहिए कि 158,000 मालिकाओं के अंदर बसी हुई है, इसमें ये बातें बोली गई हैं कि जिस दिन सात दिन अंधकार होगा उस दिन दुनिया के अंदर चारों ओर बड़े वज्रपात होंगे, साथ के साथ दिन के अंदर अंधेरे जैसा माहौल हो जाएगा। अगर हम इसको मौसम से जोड़ के देखते हैं तो अभी थोड़े दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से सूर्य ग्रहण के टाइम में दिन के अंदर अंधकार छा गया था। तो सात दिन अंधकार के अंदर जब चारों ओर अंधेरा छा रहा होगा तो उस टाइम वज्रपात की स्थिति उत्पन्न हो रही होगी और साथ के साथ मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसी जगहों के ऊपर, छज्जे नुमी जगहों के ऊपर छुप रहे होंगे जिससे वो जल परले से होने वाली कठिनाइयों से बच सके। मतलब भयंकर तूफान के आने की बात की गई है, कई प्रकार के प्राकृतिक परलों की बात की गई है कि प्रकृति परले के कारण जर परले की संभावना, वज्रपात की संभावना, ये जब होती है जब मौसम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो लोग सारे के सारे आसमान से उस अक्ष पिंडों का गिरना जो किसी भी चीज़ के रूप में हो सकता है और नंगी आंखों से दिखाई देगा, मतलब अपने नेत्रों से हम डायरेक्टली उस अलौकिक घटनाओं को देख पाएंगे जो अंतरिक्ष के अंदर हो रही होंगी। अभी आने वाले टाइम के अंदर 2024 में एक बहुत ही अलौकिक घटना घटित होने वाली है, इसके बारे में जानकारी मैं आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर देने वाला हूँ जिसको आप अपनी नेत्रों से बिना टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। अंक पाँच के पूर्व ही, मतलब सुनिएगा, अंक पाँच के पूर्व ही समुद्र का जल स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हिंद महासागर अपने क्षेत्रों को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। चारों ओर मौसम में हो रहे बदलावों में ओलावृष्टि यानी पिंड, मतलब ओले, बर्फनुमी ओले जिनको पिंडों का रूप दिया जाएगा और वो धरा के ऊपर गिरेंगे जिस कारण मनुष्य के जगह जगह के ऊपर रक्त की नदियाँ भी बहेंगी। मतलब रक्त की नदियाँ, जब हो सकता है कि ओले इतने बड़े गिरे, पहले भी भूतकाल में गिर चुके हैं, इतने बड़े ओले गिरे कि वो मनुष्य के सिर पे लगने से मनुष्य को चोट का सामना करना पड़े और मनुष्य की चोट के कारण रक्त की जगह, मतलब नदियों में जो ओले गिरने के बाद में बारिश में रक्त जल बहता है उसके अंदर रक्त भी बहे, तो चारों ओर रक्त की नदियाँ हो जाएंगी। इस प्रकार से हम इसको जोड़ कर देख सकते हैं। बड़ी बीमारी जो आने वाले खतरे को फैलाएगी, बड़ी बीमारियां लगातार आती जा रही हैं, किसी न किसी रूप के अंदर आ रही हैं। H5N1 वायरस, कोरोना वायरस, साथ के साथ कई प्रकार के वायरसेस जिसको जोम्बी वायरस भी कहा जा रहा है और कई प्रकार के डियर वायरस, ड्रग्स के कारण कोई ना कोई समस्या का उत्पन्न होना, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया को अपने
ऐसे काल के मुंह में ले जा रहा है जहां पे कई सरकार इमरजेंसी लगाने पर भी मजबूर हो गई हैं। अब इसके साथ साथ गजपति दिव्य सिंह देव का आखिरी शासन होने वाला है और इसके बाद में जो मंदिर होगा, मंदिर के ऊपर लगातार रक्त के छींटे गिरते हुए नजर आएंगे। मतलब जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात की गई है, पक्षियों का बैठना, मंदिर के अंदर रक्तपात होना, मंदिर के अंदर अशुभ घटनाओं का होना, ये लगातार ऑलरेडी जगन्नाथपुरी मंदिर से हम लोगों को खबरों के रूप में पता चल रहा है और ये बार बार घटित भी खबर के रूप में पता चल रहा है और ये बार बार घटित भी हो रहा है, जो एक अशुभ घटनाओं का संकेत के रूप में हम इसको देखते हैं। साथ ही साथ सात सितारे चमकेंगे, भीष्म तूफान उठेगा, नश्वर को खोला जाएगा, जगन्नाथ की लीला फैलेगी, बड़ा पिंड आसमान से गिरेगा और चारों ओर दुनिया के अंदर एक ऐसा काल ग्रस्त हो जाएगी, दुनिया मतलब काल के मुंह में चली जाएगी, जिसमें दुनिया को सात दिन तक कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब इस सात दिन अंधकार के बारे में मैंने जो खोज करी, जो रिसर्च करी, उससे मुझे ये जानकारी मिली कि ये सात दिन का अंधकार किसी लाइट, किसी बिजली या किसी इंटरनेट के कटने से नहीं होने वाला। सुन के आश्चर्य हो रहा होगा आप लोगों को, अभी तक हर जगह पे आपने यही सुनते आए होंगे कि सात दिन का अंधकार इंटरनेट, बिजली या लाइट के कारण, पृथ्वी के ऊपर पिंड के गिरने के कारण होगा और मैं इस चीज़ को मना कर रहा हूँ, डिनाई कर रहा हूँ। ये सात दिन का अंधकार ब्रह्म बुद्धि के अंदर हो रहे माया को बढ़ाएगा और मनुष्य की सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल क्षीण कर देगा। साथ ही साथ मनुष्य नॉर्मल जीवन में भी इस अंधकार के अंदर जूझ रहा होगा, मतलब मनुष्य इतना ज़्यादा पापी हो जाएगा कि वो सात दिन इतने भयंकर बीतने वाले हैं जिसमें मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी होगी और वो चारों ओर पाप ही पाप कर रहा होगा। और इसके बाद में गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने एक और बात भी लिखी हुई है कि मनुष्य इस सात दिन के अंधकार से एक अलौकिक तिलक के माध्यम से बच सकता है, जिस अलौकिक तिलक के बारे में मैंने आपको पुरानी वीडियोस के अंदर बता रखा है। तो अब आप देखिए कि अलौकिक तिलक के माध्यम से अंधेरे के अंदर तो टॉर्च का काम ये तिलक करने वाला नहीं है, लेकिन अंधेरे के अंदर जो अंधेरा, काल रूपी अंधेरा, बुद्धि पे छाया हुआ अंधेरा होगा, उसके अंदर हमारी बुद्धि को जागृत करने का काम ये तिलक जरूर करेगा, क्योंकि तिलक हम लोगों को बहुत कुछ प्रदान करता है। और तिलक की अगर सही महिमा जाननी है तो आप इसको हमारे वेदों पुराणों ग्रंथों के अंदर लिखी गई महिमाओं को पढ़ सकते हैं और आप लोगों को पता लगेगा कि ब्राह्मण जो ये मस्तक पे तिलक लगाते हैं इसका कितना बड़ा महत्व होता है। तो इस सात दिन काल का समय, काल मतलब चारों ओर अंधेरा नहीं होता, काल का मतलब ये होता है कि वो काल जो मनुष्य की बुद्धि को जकड़ ले, क्योंकि कलयुग के अंदर जब राजा परीक्षित ने कली को वरदान दिया था, तीन वरदान दिया था, तो उसको ये बोला था कि तुम जाके बुद्धि के ऊपर वास करोगे, जो मनुष्य पापी हैं उनके ऊपर वास करोगे, सोने में वास करोगे और आप गंदी जगहों के ऊपर वास करोगे। तो जो लोग गंदे काम कर रहे हैं और गलत चीज़ों के अंदर बैठे हुए हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और वो ही दुनिया के अंदर बड़े पापों को फैलाएंगे और सात दिन तक दुनिया के अंदर त्राहिमाम बच जाएगा, दुनिया सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देगी और चारों ओर केवल और केवल जो जागृत तिलक है उसी के माध्यम से लोगों के आगे बचने की संभावनाएँ भविष्य मालिका के अनुसार बताई गई हैं। तो भविष्य मालिका आने वाले टाइम के अंदर बिल्कुल 100% इस बात को मैं मानता हूं कि यह सत्य साबित हो सकती है, क्योंकि मनुष्य इस समय पे काल के घेरे में फंसता जा रहा है, सोचने समझने की शक्ति क्षीण कर चुका है। ईरान और इजराइल के युद्ध को ही देख लीजिए, रशिया यूक्रेन के युद्ध को देख लीजिए, हमास और आपका जितने भी बाकी खाड़ी देश हैं, रेड जो सी के अंदर क्राइसिस चल रहा है युद्ध का, उसको देख लीजिए। मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए चारों ओर हाहाकार मचा रहा है, पृथ्वी के गर्भ के ऊपर लगातार बम फोड़ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि आने वाले वर्ल्ड टाइम के अंदर बहुत बड़ी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा और जो लोग भक्ति के माध्यम से जुड़े हुए होंगे, इस तिलक को लगा के भक्ति करेंगे, वो ही आगे बच पाएंगे, क्योंकि भक्ति एक ऐसी दिव्य प्रकाश है जो हम लोगों को इस काल ग्रस्त समय के अंदर बचा सकती है और हमें सही राह दिखा सकती है। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जान पाए। आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।